आज आया है केस, आज एडजोर्न हुआ है 29th और 30th जुलाई के लिए फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस एज वेल एज ऑन दी आर्गूमेंट ऑन बेल एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ लोकेशन। क्या रहा सर सुनवाई में? एप्लीकेशन लगाई गई थी उसमें क्या रहा? एप्लीकेशन का जवाब दिया है NIA ने और नेक्स्ट स्टेज पे उस पर आर्गूमेंट होगा। किस आधार पर सर बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी? ग्राउंड्स क्या थे? ग्राउंड्स 2011 से कस्टडी में है, कोई प्रॉपर एविडेंस उसके खिलाफ नहीं है। ऑलरेडी दो केसेस में NIA खुद डिस्चार्ज दे चुकी है, मालेगांव 2006 और मालेगांव 2008 केस में, और कोई भी एविडेंस अभी तक जितने गुआ किसी ने भी लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई गवाही नहीं आई है कि उसका कोई रोल उसमें पाया जाता है। और एक व्यक्ति को बिना किसी कारण के कब तक जेल में रखेंगे? अगली सुनवाई कितनी तारीख को? 29 और 30 जुलाई। तो बेल एप्लीकेशन पर भी जो सुनवाई उसी तारीख को? बेल एप्लीकेशन पर भी उसी 29 जुलाई को सुनवाई होगी। सर अभी तक कितनी? टोटल 299 गवाह उन्होंने बनाए हैं, जिसमें से 163 गवाह हो चुके हैं, 45 गुहाओं को NIA छोड़ चुकी है और 6 गुहाओं की मौत हो चुकी है। इस प्रकार केवल 85 गुहा बचते हैं।